ओके, तो पोको के डील्स के बारे में इस वाले वीडियो में बात कर लेते हैं। एंड मैं आपको एक हेड्स अप देना चाहता हूँ, क्या एक्सपेक्टेशन आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वैसे फोर्थ ऑफ अकॉर्डिंग टू कैलेंडर 4th अक्टूबर को वो रिवील होगा पोको के डील्स। आज जो है आईफोन का रिवील होने वाला है, आईफोन 12 भी बता दिया गया है कि आज ही आप ले सकते हैं। वैसे आईफोन 13 का कोई अता पता नहीं है। वैसे आईफोन की वीडियो आज शाम को आपको मिल जाएगी, बट अभी हम पोको के बारे में बात करेंगे एंड दो स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे। एक है पोको का X5 प्रो जो कि अंडर 20 के आने वाला है, एंड दूसरा है पोको F5 एंड वो सबसे बड़ा डील होने वाला है मेरे ख्याल से। एंड पोको X5 प्रो के बारे में बात करते हैं। वहां पर आपको स्नैपड्रैगन का 778G देखने के लिए मिलता है, जो डिस्प्ले है वो कमाल का देखने के लिए मिलता है। अंडर 20 के 18,000 की डील आने वाली है। सीधी बात बताते हैं, 18,000 की डील आने वाली है। 20,000 का नॉर्मली मिलेगा एंड आई थिंक 2,000 का कार्ड डिस्काउंट लगा के वो 18,000 का देखने के लिए मिलेगा। एंड अगर आपके पास फ्लिपकार्ट एंड एक्सिस बैंक का टाई अप कार्ड है तो अलग से आपको कैशबैक भी देखने के लिए मिलेगा, तो आप जोड़ लीजिए फिर, और 900 रुपए आपको जो है फिर से कैशबैक मिल जाएंगे, तो कितना प्राइस पड़ता है। वैसे पोको X5 प्रो में इस प्राइस में जो आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिल रहा है तो वो कमाल का देखने के लिए मिलता है। वो HDR 10 प्लस सर्टिफाइड डिस्प्ले है, वो 10-bit AMOLED डिस्प्ले है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, वो HDR 10 प्लस एंड Dolby Vision सर्टिफाइड डिस्प्ले। एंड ये वाली जो सर्टिफिकेशन है ना, ये आपको Netflix में जाके भी देखने के लिए मिलती है। डुअल स्टीरियो स्पीकर भी आपको Dolby Atmos सर्टिफाइड देखने के लिए मिलते हैं। अब ये वाली जो स्पेसिफिकेशन आपको 18,000 में मिलती है ना, ये अगर मैं Nothing Phone 2 से भी कंपेयर करता हूं, वो इतना ऑलमोस्ट 45,000 का स्मार्टफोन है। अभी डील में कम मिलेगा, बट 45,000 के स्मार्टफोन में HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है जब आप नेटफ्लिक्स में जाओगे, एंड डॉल्बी विजन तो दूर की बात है। तो इस तरीके के डिस्प्ले के साथ आता है। एंड पोको X5 प्रो में एक जो खास बात है, उसका कैमरा देखने के लिए मिलता है। रेडमी का नोट 12 प्रो आया था, को पता रहेगा, पोको X5 प्रो के पहले, एंड वो सोनी के सेंसर के साथ आया था, 50 मेगापिक्सल का OIS के साथ, सोनी का IMX766। एंड मुझे लगा था भाई बहुत बढ़िया कैमरा स्मार्टफोन आने वाला है, वो वाला स्मार्टफोन भी डील पे रहेगा, बट वहां पर HDR की बहुत सीरियस इशू थी। मैंने वो स्मार्टफोन परचेज किया था एंड वो डिसअपॉइंटिंग था। उसके बाद आया था पोको X5 प्रो, वहां पर 108 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर वाला कैमरा था एंड वहां पर भी OIS मिल जाता है, करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग। बट मैंने सोचा था डेफिनेटली कैमरा अच्छा नहीं होने वाला क्योंकि सैमसंग का सेंसर है, बट वहां पर एक्चुअल में जो कैमरा परफॉर्मेंस है विद 108 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ, मैंने कोई भी कैमरा स्मार्टफोन 108 मेगापिक्सल के साथ तो अच्छा नहीं देखा था, बट पोको X5 प्रो में डेफिनेटली बहुत अच्छे कैमरा सैंपल्स निकल के आते हैं, तो उसका स्मार्टफोन का कैमरा भी अच्छा देखने के लिए मिलता है। अब पोको का स्मार्टफोन है तो अच्छा क्या नहीं है, डेफिनेटली सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं रहेगा एंड सॉफ्टवेयर अपडेट करने से पहले आपको बहुत सारा रिसर्च करना पड़ेगा, नहीं करो तो वही बेस्ट रहेगा। एंड वो मदरबोर्ड डेड इशू वगैरह का चक्कर, क्योंकि एक सीरीज का स्मार्टफोन है तो ज्यादातर जो इश्यूज देखने के लिए मिला है पोको X3, पोको X3 प्रो एंड एक सीरीज में आपको पता है कि ज्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिला है मदरबोर्ड डेड इशू, एंड वो उसी सीरीज का स्मार्टफोन है पोको X5 प्रो। तो मैं आपको डायरेक्ट रिकमेंड तो नहीं कर सकता हूं, अपने रिस्क पे आप डेफिनेटली ले सकते हैं। एंड ऐसा भी नहीं है कि ये इकलौता स्मार्टफोन है जो कि इतने अच्छे स्पेक्स के साथ आ रहा है। मोटो का H40 न्यू अगर आपको मिल जाए, बात यह है कि वो स्मार्टफोन मिल नहीं रहा है, अगर आपको मिलता है ना तो वो आप डेफिनेटली आंख बंद करके भी ले सकते हैं। एंड 21,000 के आसपास आपको पता है जो पिक्सल 6a है, वो भी मेरा जो प्रेडिक्शन है वो आने वाला है, लीक्स अकॉर्डिंग टू लीक्स वो भी आने वाला है। तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, इवन जो इन्फिनिक्स का GT10 प्रो है, मैं उसका सॉफ्टवेयर को अच्छा नहीं मानता हूं, बट क्लीन सॉफ्टवेयर के साथ आता है एंड उसके स्पेसिफिकेशन भी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं, बट कैमरा एज ए होल पैकेज पोको X5 प्रो बहुत बढ़िया डील रहने वाला है, बट मैं फिर से कहता हूं कि आप अपने रिस्क में ले सकते हैं। नेक्स्ट जो स्मार्टफोन है वो है पोको F5। अब ये वाली जो डील आने वाली है, ये मेरा प्रेडिक्शन है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन है, क्योंकि 24,000 का ऑलरेडी मिल चुका है। अगर बिग बिलियन डे में 22 का ना मिले तो फिर भाई बेइज्जती हो जाएगी फिर बिग बिलियन डे की। तो मेरा जो प्रेडिक्शन है वो 22,000 का ही है, एंड विद द एक्सचेंज ऑफर जो वो प्रमोट करने वाला है ना, वो 20,000 का प्रमोट करने वाला है। सीधी सी बात है, विद एक्सचेंज ऑफर 2,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे एंड 20,000 का प्रमोट करने वाले, बट वो भूल जाइए, आप 22,000 का पकड़ के रखिए। अब 22,000 में आपको इतना स्ट्रॉन्ग एक डिवाइस मिल जाता है विद इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग स्पेसिफिकेशन के साथ, एंड वो एक्चुअल में परफॉर्म भी करता है। पोको F5 मैंने लिया हुआ था, मुझे फिर से लेना है सेल में, मेरा पहला जो मैंने मन बना के रखा है जो स्मार्टफोन मुझे परचेस करना है वो पोको F5 ही है। बट मैं आपको फिर से, क्योंकि पोको का स्मार्टफोन है बट F सीरीज में कोई दिक्कत नहीं आई है अब तक, हाँ कुछ डेड इश्यूज वगैरह देखने के लिए मिलेगा, पोको F3 GT के साथ कुछ डेड इश्यूज वगैरह देखने के लिए मिले हैं, पोको F1 में इतना ज्यादा इशू नहीं था, पोको F2 आया नहीं था, पोको F3 GT आया था, पोको F4 में भी ज्यादा प्रॉब्लम आया नहीं है, बट पोको F4 के कुछ केसेस हमने देखे हैं कि ट्विटर में आता है, इवन पोको F5 के भी कुछ उड़ते उड़ते खबर थे कि उन्होंने जो है मदरबोर्ड वगैरह डेड इशू ऐसा कुछ जो है इशू आया था, बट वो सारी जो है ट्वीट्स भी अभी हट चुकी है सच। बट पोको F सीरीज के लिए इतना मास कंप्लेंट्स नहीं आए हैं मदरबोर्ड डेड इशू वगैरह, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा जो है आपके मन में जो है डर कम रहना चाहिए। एंड क्योंकि पोको F5 है तो 2 साल का आपको जो है वारंटी देखने के लिए मिलता है, बट उसमें यह है कि आपके फोन में कोई स्क्रैचेस नहीं आने चाहिए। तो अगर पोको F5 लेने की सोच रहे हैं, इवन पोको X5 प्रो लेने की सोच रहे हैं, तो आप पहले तो एक्सेसरीज डेफिनेटली परचेस कर लेना। एक पॉलीमर आता है पोको F5 के
पीछे वो लगा लेना, एंड बैक कवर का लिंक मैंने डाला हुआ है, वो भी आपको यूज करना है। कुछ भी स्क्रैचेस वगैरह डेंट्स वगैरह ये नहीं आने चाहिए, ये रहेगा तो फिर अगर मदरबोर्ड डेड भी होता है तो 2 साल के अंदर तो आप जो है वारंटी क्लेम नहीं कर पाओगे। तो संभाल के यूज करना, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करना है। मैंने जब पोको F5 लिया था पहला अपडेट जो आया था वो मैंने किया था, उसके बाद डिवाइस बहुत बढ़िया, बैटरी बैकअप भी उसका हो गया था। अभी जब नया लूंगा तब क्या हाल होगा नहीं पता, अभी मैं कंफ्यूज भी हूं, मुझे वो लेना है कि फिर पिक्सल लेना है, क्योंकि पिक्सल 7a आई थिंक मैं टारगेट कर रहा हूं, जहां पर वो 30,000 के अंदर आ सकता है, 31,000 का मान के चलते हैं। बट पोको A5 की अगर मैं स्पेक्स आपको बताऊं ना, जो डिस्प्ले है मैं फिर से उसे कंपेयर कर सकता हूं नथिंग से या IQ Neo 7 Pro के साथ। वैसे जो प्रोसेसर है वो आपको पता है स्नैपड्रैगन का 7+ Gen 2 देखने के लिए मिलता है, एंड वो 1 मिलियन स्कोर करता है, एंड कहीं ना कहीं जो गेमिंग परफॉर्मेंस है मुझे IQ Neo 7 Pro का, मैं यूजर हूं, उससे बेटर पोको A5 का जो है मुझे गेम प्ले लगा था। तो इतना ज्यादा पावरफुल है 22,000 में, एक गेमर के लिए तो भाई जन्नत देखने के लिए मिलता है, क्योंकि 3.5mm के गड्ढे के साथ भी वो आता है, एंड LPDDR5 का रैम है, UFS 3.1 का स्टोरेज देखने के लिए मिलता है इस प्राइस रेंज में। जो डिस्प्ले है वो 12-bit AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, दूर दूर तक ये वाले डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन के साथ कोई आता नहीं है भाई। 40,000 का OnePlus भी अगर लोगे तो वो 12-bit AMOLED नहीं है, या आप Nothing Phone 1 भी लोगे तो 12-bit AMOLED नहीं है, ना ही पिक्सल ना ही कोई सैमसंग का 12-bit AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। HDR10+ सर्टिफाइड, डॉल्बी विजन सर्टिफाइड, डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड स्पीकर्स देखने के लिए मिलता है, ये सारा कुछ स्पेसिफिकेशन आपको नेटफ्लिक्स में भी देखने के लिए मिलता है। बहुत पतले बेजल्स के साथ आता है, वो POLED डिस्प्ले है, बहुत ही पतले बेजल्स है, एंड फ्रेम के साथ इन्फ्यूज्ड डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जैसा 45,000 के नथिंग में देखने के लिए मिलता है, या नथिंग फोन 1 में भी देखने के लिए मिलता है, या जैसे आईफोन में देखने के लिए मिलता है, या जैसे नॉट 3 में देखने के लिए मिलता है। बहुत कमाल का परफॉर्मेंस था, जो ऐप ओपनिंग स्पीड वगैरह था, जो रैम मैनेजमेंट थी भाई, सारे ऐप को बहुत फास्ट ओपन करता था, सारे ऐप्स को ऑलमोस्ट रैम में रखता था, बहुत बढ़िया स्मार्टफोन था। कैमरा बहुत घटिया देखने के लिए मिलता था, ठीक है, तो बहुत घटिया कैमरा के साथ आता है वहां पर, 64 मेगापिक्सल का सेंसर है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, फ्रंट में भी 16 है। बट बात यह है कि जो पोको A5 है ना, वो जो इनके कम्युनिटी है, इनके जो डेवलपर कम्युनिटी है, वो बहुत ज्यादा पसंद करती है, बहुत बढ़िया जीकैम पोर्ट्स मिल जाते हैं, एंड जीकैम पोर्ट के साथ वो सॉल्व हो जाता है, जो कैमरा इशू है ना वो सॉल्व हो जाता है, एंड एक ऑलराउंडर डिवाइस बन जाता है। 67W की चार्जिंग है, 5000mAh की बैटरी है। तो ये पोको A5 जो है बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है, इवन जो पोको X5 प्रो भी है। तो बट अभी पोको के स्मार्टफोन लेने के लिए लोग डर रहे हैं, बात यही है, बट पोको A5 का मैं तो दिल बहुत है कि रिकमेंड करूं, एंड डायरेक्ट जाके बोलूं भाई यही स्मार्टफोन परचेस कर ले, कोई भी गेमर है तो यही कर लो, इसी को परचेस कर लो। बट फिर से वो रिस्क वाली बात आ ही जाती है, तो मैं फिर से कहता हूं कि रिस्क पे ही लेना। वैसे मैं खुद लेने वाला हूं, एंड देखने वाला हूं कि जो है ये डेड वगैरह होता है कि नहीं, तो डर के आगे जीत है। आप मेरे को कमेंट में बताओ आप क्या सोच रहे हो पोको के स्मार्टफोन्स के बारे में, डेफिनेटली मैं सारे कमेंट्स का आंसर करने वाला हूं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, एक्सेसरीज का लिंक डाला हुआ है, मिलता है नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।